हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो ऐसा क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और ये दोनों क्वेश्चन है क्लास 9 ट्राइंगल चैप्टर से, फ्रॉम द टॉपिक इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। अब ये क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन हम दिखाएंगे, पहले दोनों क्वेश्चन सेम वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ द साइड्स इज लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ द डायगोनल्स, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ द साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ द डायगोनल्स। तो दोनों क्वेश्चन बहुत मिलता जुलता है, बट एक में है सम ऑफ द साइड लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ द डायगोनल्स, और एक में है सम ऑफ द साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ द डायगोनल्स। तो ये थोड़ा डिफरेंस है क्वेश्चन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर भी एक बार बोल देते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, गिवन तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, सो रिक्वायर्ड टू प्रूफ लिख देते हैं। आरटीपी हो जाएगा एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एडी लेस देन 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, दैट मीन्स सम ऑफ द साइड्स इज लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ द डायगोनल्स, ये प्रूव करना है। अब इसके लिए हमें कुछ ट्राइंगल कंसिडर करके इनइक्वालिटीज अप्लाई करना होगा। तो कौन सा ट्राइंगल हम अप्लाई करेंगे, मेन क्वेश्चन वही है। अब हम एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, अब इसका अगर डायगोनल ऐड कर ज्वाइन कर दिए एसी एंड बीडी, तो बहुत सारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, एबीसी हो गया, एसीबी हो गया, उसके बाद बीसीडी हो गया, एबीडी हो गया, चार तो ये इस स्टेप पे चार ट्राइंगल हुआ, और भी चार है एओबी बीओसी सीओडी एओडी, सो इस टाइप का बहुत सारा ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। अब हमें कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करना है ये देखना होगा। तो इसके लिए हम जब भी ये क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन के लिए हम जो छोटा सा ट्राइंगल है, छोटा छोटा ट्राइंगल, उसको कंसिडर करेंगे, दैट इज एओबी बीओसी सीओडी एंड एओडी, ये चारों ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इन ट्राइंगल प्रूफ, कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं तो डायरेक्ट प्रूफ में चलेंगे। इन ट्राइंगल एओबी वी हैव OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, ये हो गया नंबर वन। इन ट्राइंगल BOC OB प्लस OC ग्रेटर देन BC, नंबर टू। इन ट्राइंगल COD OC प्लस OD ग्रेटर देन CD, ये हो गया थर्ड नंबर। एंड फोर्थ इन ट्राइंगल AOD OA प्लस OD ग्रेटर देन AD, सो ये चार इनइक्वालिटीज हम पहले लिख चुके हैं। AOB इस ट्राइंगल में OA प्लस OB ग्रेटर देन AB, इसमें OB प्लस OC ग्रेटर देन BC, इस ट्राइंगल में OC प्लस OD ग्रेटर देन CD, और इस ट्राइंगल में ओ डी प्लस ओ ए ग्रेटर देन ए डी, ये चारों लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देते हैं, एडिंग वन टू थ्री फोर, एडिंग वन टू थ्री एंड फोर वी गेट, क्या मिलेगा, OA प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस OA प्लस OD ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये चारों को ऐड कर दिए। अब ये चारों इक्वेशन इक्वेशन को जब ऐड कर दिए तो हमें इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन मिला है। अब इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड को अगर देखने जाएंगे ओ ए ट्वाइस है,
ओबी ओबी ये भी ट्वाइस है, ओसी ओसी ये भी ट्वाइस है, और ओडी ओडी ये भी ट्वाइस है। देखो सब डबल डबल है तो हम डायरेक्ट टू कॉमन लेके लिख सकते हैं पूरा एक्सप्रेशन को। पूरा एक्सप्रेशन को अगर हम लिखने जाएंगे तो हम लिख सकते हैं टू इंटू ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज टू इंटू ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब ओ ए प्लस ओ सी फ्रॉम द फिगर ओ ए प्लस ओ सी ए सी हो जाएगा, सी हो गया हमारा टू इंटू ए सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी, ये हो जाएगा बी डी ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ये लाइन मिला टू इंटू ए सी प्लस बी डी ग्रेटर देन। अब इसको प्रूव क्या करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी लेस देन टू इंटू दिस वन, और यहां पे आया ग्रेटर देन, तो इसको रिवर्स कर देते हैं। अगर इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, अगर रिवर्स कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी लेस देन, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, रिवर्स करेंगे तो लेस देन हो जाएगा ये टू इंटू ए सी प्लस बी डी। अब हमें प्रूव यही करना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी लेस देन टू इंटू ए सी प्लस बी डी, तो ये प्रूव हो गया हमारा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सो फॉर सेकेंड क्वेश्चन, जो सिमिलर टाइप क्वेश्चन बोले थे उसके लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या था, ऑलरेडी हम एक बार बोल चुके हैं एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, फिर से एक बार बोल देते हैं। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें प्रूव करना है सम ऑफ द साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ द डायगोनल्स। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट रिक्वायर टू प्रूफ लिख लेते हैं। सो आरटीपी हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। अब इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए नहीं, इसके लिए डायरेक्ट प्रूफ मिल जाएंगे। अब लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, जो छोटा सा ट्रायंगल था, छोटा छोटा स्मॉलर ट्रायंगल, उसको कंसीडर किया था। बट इसमें क्या करेंगे, तो कंपेरेटिवली लार्जर ट्रायंगल दैट मीन्स ए बी सी बी सी डी सी डी ए और बी ए बी, ये जो ट्राइंगल है ये चारों ट्राइंगल को कंसिडर करके सेम टाइप से इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी, अब जब ए बी सी कंसिडर करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि बी डी डायगोनल अभी तक ज्वाइन हुआ नहीं, तो ए बी सी जब ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे साइड है ए बी बी सी और ए सी, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। सो फर्स्ट वही लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी नंबर वन, ये फर्स्ट हो गया। अब इन ट्राइंगल, पहले ए सी को डायगोनल करके दो ट्राइंगल मिलेगा मुझे, एक होगा ए बी सी और एक होगा ए डी सी, तो ए बी सी तो ऑलरेडी हो चुका है, अब हमारा ए डी सी, इसको भी ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी इस ट्राइंगल में क्या होगा, ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी हो जाएगा, ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी, ये हो गया नंबर टू। अब ये गया दोनों विथ डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी लेके जो ट्राइंगल बना था उसके लिए कर लिए। अब सेकेंडली बी डी डायगोनल को कंसिडर करेंगे, अब बी डी डायगोनल को वन ऑफ द साइड लेके हमें दो ट्राइंगल मिलेगा, एक होगा ए बी डी और एक होगा बी सी डी, तो फिर से ये दोनों ट्राइंगल में भी सेम उसी तरह से करते हैं इन ट्राइंगल
ABD, we have AB plus AD greater than BD, ये हो गया थर्ड नंबर. एंड फोर्थ नंबर दैट इज ट्राइंगल BCD. इन ट्राइंगल BCD वी हैव BC plus CD greater than BD, BC plus CD greater than BD. So, इसको 1, 2, 3, 4 करके मार्क कर दिए. अब लास्ट में क्या किए थे, लास्ट क्वेश्चन में उसमें चारों को ऐड किए थे, इसमें भी सेम ही करेंगे. सो एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, वी गेट लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं. फर्स्ट ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ये होगा ए डी प्लस सी डी प्लस थर्ड ए बी प्लस ए डी प्लस फोर्थ बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन. राइट साइड है ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी, ये हो जाएगा ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी. ये गया लेफ्ट हैंड साइड पूरा और ये गया राइट हैंड साइड. तो ये ऐड कर दिए. अब ऐड करने के बाद ए बी प्लस ए बी ए बी मिल जाएगा, बी सी प्लस बी सी टू बी सी, सी डी प्लस सी डी टू सी डी एंड ए डी प्लस ए डी टू ए डी. और राइट साइड ए सी प्लस ए सी दैट इज टू ए सी और ये टू बी डी. तो ये हो गया हमारा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी डी प्लस टू ए डी ग्रेटर देन टू ए सी प्लस टू बी डी. अब हम टू कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन. राइट साइड से भी टू कॉमन जाएगा, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी. अब यहाँ पे टू टू कैंसिल हो गया. सो ये हमें मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी. सही था क्वेश्चन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी. सो दोनों क्वेश्चन इजी है बट दोनों का अप्रोच डिफरेंट है. एक में जो स्मॉलर ट्राइंगल था वो कंसिडर किए, अब सेकेंड में जो लार्जर ट्राइंगल था उसको कंसिडर. Hope you have enjoyed this video. So, if you have enjoyed this video, please like this video and share this video as much as possible. और subscribe करना तो एकदम मत भूलिएगा. अगर आप मेरे चैनल में first time आए हैं तो please subscribe and hit on the bell icon ताकि आगे का notification आपको मिलते रहे. And for any kind of queries, comment on the comment section. और अगर कुछ ऐसा question में doubt है, जो भी कोई standard किताब NCERT, RDS और RDS अग्रवाल से होता है, so you can tell me about that question. Definitely I'll solve that for you. So, milte hain next video mein. Tab tak ke liye, bye bye.